सोशल मीडिया पर जब आपने इस लड़की की तस्वीर देखी होगी तो उसमें ये इस तरीके के पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि इसने कुरान पे पेशाब किया, जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई। एक बात ये भी कही जा रही है कि इसने गीता पर पेशाब किया, इसलिए इसकी ये हालत हुई। हम जैसे पढ़े लिखे लोग जब सोशल मीडिया चलाते हैं, ये सब सारी खबरें पढ़ते हैं, फिर भी हम इसके ऊपर कभी अपना दिमाग नहीं लगाते। हम इनकी बातों में आ जाते हैं, उस पर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इन अफवाहों के चक्कर में आके उस पर तरह तरह के रिएक्शन करते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आज उस सच्चाई से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। स्क्रीन पर जो लड़की की आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम बीथी अख्तर है। बीथी बांग्लादेश के ढाका की रहने वाली है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इनके चेहरे पर बाल उगे हुए हैं। ये एक अजीब तरह की बीमारी से पीड़ित है जिसे हम आम भाषा में वेयरवुल्फ सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। वेयरवुल्फ सिंड्रोम से दुनिया भर में करीब 3 से 5 लोग ही पीड़ित है, उनमें से बीथी एक है। बीथी जन्म से ही इस बीमारी से पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ अपने चेहरे पर लगाया हो या कोई लोशन यूज़ किया हो या कुछ ऐसा खा लिया हो जिसकी वजह से उन्हें ये बीमारी हुई। ये बाय बर्थ ही है इस बीमारी से पीड़ित है और इस बीमारी जिसको भी होती है उसमें इनके चेहरे पर बाल उगाते हैं, सारे शरीर पर बाल उगाते हैं, उसके बाद तमाम तरह की जो है दिक्कतें शरीर के साथ शुरू हो जाती है। जैसा आप देख पा रहे होंगे एक थोड़े वक्त के बाद बीथी के साथ इनके मसूड़े अजीब तरीके से फूलने लगे, अजीब तरीके का शेप हो गया उनका। उसके बाद जैसे ही बीथी बड़ी होती गई, फिलहाल बीथी की उम्र 14 साल की है, लेकिन जब ये प्यूबर्टी की एज, इन्होंने 11-12 साल की प्यूबर्टी की एज में इनके स्तनों का आकार एक अजीब तरीके से बढ़ने लगा, जिसके बाद इनको स्कूल जाना तक अपना छोड़ना पड़ा। स्तनों का आकार इतना बढ़ गया कि एक वक्त पर जब बीथी का वजन 38 किलो था तो स्तनों का ही इनके वजन 13 से 14 किलो था और वो इतने बड़े हो गए, पेट के नीचे तक चले गए, जिसकी वजह से तमाम परेशानियों का बीथी को सामना करना पड़ा और पढ़ाई में काफ़ी होशियार बीथी को स्कूल छोड़ना पड़ा। बीथी फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, इनका इलाज चल रहा है बांग्लादेश में। 2016 में बीथी की पहली तस्वीर सामने आई थी, जब ये बीमारी का पता चला था तब दुनिया को भी इस बीमारी के बारे में, बीथी के बारे में पता चला कि ऐसी कोई बीमारी होती है जिससे दुनिया में बहुत कम लोग पीड़ित है, और इनके इलाज के लिए फिर तमाम जो संस्थाएं हैं वो आगे आई और फिलहाल बीथी का इलाज चल रहा है बांग्लादेश में। और इसके अलावा हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जब भी मौका मिलता है कुछ लोगों को वो अफवाहों का बाजार गर्म कर देते हैं, कहीं से कोई तस्वीर उठा लाते हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और उसके बाद बहकाने की कोशिश करते हैं। एक अफवाह फैलाने का जो सिलसिला है, सोशल मीडिया एक बहुत ही डेमोक्रेटिक मीडियम माना जाता है, सबके पास है उसका अधिकार, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन वहीं पर हमें ऐसी चीज़ों से जो बीथी को लेकर अफवाहें फैलाई गई उसको लेकर भी सतर्क होना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हमारे फेसबुक वॉल पर आती है, ट्विटर टाइमलाइन पर आती है, तो हमें उस पर आंख मूंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। और इसी तरह की जो भी अफवाहें बीथी को लेकर फैलाई गई, ऐसी ही हम तमाम जो भी अफवाहें हैं उनसे जुड़ी सच्चाई लेकर आपके पास लगातार सामने आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो हमारा, तो प्लीज़ लोकमतnews.in के पेज पर जाकर लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम तमाम ऐसी खबरों के साथ लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। अपने सहयोगी वकार अहमद के साथ मैं योगेश सोमकुंवर।